अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सब लोगों के साथ मेरी किडनी डिसीज स्टोरी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। मुझे कैसे पता चला कि मुझे किडनी डिसीज़ है, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ रही थी, थर्ड सेम के एग्ज़ाम्स दे रही थी, तभी मुझे सिम्टम्स स्टार्ट हो गए थे थोड़े, और एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे थे। मैं अपने असाइनमेंट्स, रिकॉर्ड्स सब कंप्लीट कर लिए थे मैंने। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है कि कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स थे, तभी मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गए थे। तब जाके मैंने अपने मैम से बात की थी कि मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है। तभी उन्होंने कहा था कि अगर एग्ज़ाम्स नहीं देंगे तो मार्क्स कट किया जाएगा, तो इसीलिए एग्ज़ाम्स कंप्लीट करके घर चले जाना। तभी मैंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंप्लीट करके घर वापस चले गई थी। तभी मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने वहीं पे क्लिनिक पे दिखाया था, मैंने करीबन 12 दिन तक मैंने वहीं पे इलाज कराया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वॉमिटिंग्स क्या किस लिए हो रहे हैं। इतनी बड़ी बीमारी का शिकार बन रही हूँ मैं, अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया होता तो तभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हम। मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया तो सिर्फ वॉमिटिंग से थे, उन्होंने शायद बहुत ही ज़्यादा हाई पावर के टैबलेट्स दे दिए थे उन्होंने। मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉइजन था, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं था। हमें उन्होंने टैबलेट्स दिया तो मुझे कुछ भी असर ही नहीं हुआ। और फिर एक 4 दिन के बाद फिर मैंने वापस गई वहाँ पे। वापस जाने के बाद उन्हें कहा कि मुझे कुछ भी असर ही नहीं हो रहा है, टैबलेट्स चेंज करके दे दिया उन्होंने। तो मैं जैसे ही टैबलेट्स खाती थी वैसे ही वापस आ जाता था मेरे पेट से वापस पानी और टैबलेट्स। और जाके फिर मैंने 3 बार ऐसे ही इसी तरह से मैंने जाके दिखाया, करीबन 12 दिन हो गए थे। कोई भी डॉक्टर सबसे पहले ब्लड टेस्ट के लिए सजेस्ट करता है, लेकिन ये डॉक्टर लेडीज़ थी, लेकिन फिर भी ब्लड टेस्ट के लिए सजेस्ट नहीं कर रही थी। फिर हमने कहा, फिर आखिरी में 12 दिन के बाद उन्होंने सजेस्ट किया था। फिर हम मैसूर चले गए थे हम। मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गए थे, और वॉमिटिंग्स और फिर मेरी बॉडी स्वेलिंग थोड़ी होने लगी थी, मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया था, और मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई थी, एंकल्स के पास, आँखों के पास थोड़ा स्वेलिंग आ गई थी इस साइड। लेकिन हमें कुछ पता नहीं था कि ये किडनी डिसीज़ के सिम्टम्स है। जब मैं क्लिनिक गई तब भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन हमने सोचा कि ये ब्रीथिंग हमें कुछ भी इसके बारे में आइडिया ही नहीं था, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये किडनी डिसीज़ के सिम्टम्स है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सांस ऊपर नीचे चढ़ रही है। हमने सोचा कि शायद मेरे पेट में कुछ टिक नहीं रहा है, इसी की वजह से इस तरह से हो रहा है। लेकिन मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ी देर नहीं चल पा रही थी मैं, जाके फिर बैठ जाती थी मैं। मेरे पेट में कुछ भी नहीं टिक रहा था, कुछ भी जो खाऊं वापस आ जाता था। फिर थोड़ा सा भी जो पानी पीऊं या फिर कुछ भी खाना खाऊं, सब कुछ पेट से बाहर आ जाता था। तो हमें बहुत फिक्र होने लगी, शायद हमने समझा कि फूड पॉइजनिंग है, इसलिए इस तरह से हो रहा है, और फिर शायद कुछ दूसरा भी हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी का शिकार बन रही हूँ, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था मुझे। और फिर हम मैसूर गए, वहाँ पे मेरे पप्पू की बेटी वहाँ पे ले गए उनके फैमिली डॉक्टर के पास। उन्होंने वहाँ पे मुझे सब कुछ क्लियरली पूछा और स्कैनिंग के लिए लिख दिया। और जब हम स्कैनिंग गए तो उन्होंने कहा कि यूरिन थोड़ा अर्जेंट आना चाहिए, तो तभी वो स्कैनिंग कर सकते हैं। तो मुझे कुछ भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा था। और जब स्कैनिंग के लिए मैं अंदर गई तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, और उन्होंने ख़ुद क्रिएटिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट के लिए सजेस्ट कर दिया। जब उन्होंने क्रिएटिन मुझे कराने के लिए दिया, तो मैंने क्रिएटिन ब्लड टेस्ट करवा दिया। मैंने सारे रिपोर्ट्स शाम तक आ गए थे, और डॉक्टर को हमने दिखाया तो उन्होंने इमीडिएटली एडमिट होने के लिए कहा। कुछ डराया नहीं उन्होंने, लेकिन इस तरह से कहा कि थोड़ा ऐसा बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक हो जाएगा। तभी हमने मिशन हॉस्पिटल गए मैसूर में, मेरी कज़िन पप्पू की बेटी वहीं पे लेके गए। वहाँ पे मुझे बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी अंदर से मुझे, और इमरजेंसी रूम में मुझे एडमिट कर लिया गया वहाँ पे। और यहाँ पे कैथेटर जो लगाते हैं वो लगा दिया गया वहाँ पे,
और मेरा केस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, इसलिए मुझे आईसीयू में रखा गया वहीं पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी। और सारे टेस्ट करवाया उन्होंने, इतना ब्लड टेस्ट करवाया कि मेरे वेंस बहुत ही ज़्यादा बारीक है, ब्लड टेस्ट के लिए जल्दी ब्लड ही नहीं आता, और इतना ब्लड लिया मैं क्या बताऊँ, कुछ भी इतना यहाँ पे सारा सब कुछ इधर पूरा मेरा हाथ का कलर ही चेंज हो गया था, मेरा पूरा ब्लू हो गया था, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वहीं से ब्लड लेना स्टार्ट कर दिया। मुझे वहाँ पे टाइम ही नहीं पता चलता था, मुझे जब भी आँख खोलूँ ब्लड लेने आ जाते थे, इतना इतना सब्र किया मैंने, अल्लाह मुझे इतना सब्र दिया है मुझे कि अल्लाह का कितना लाख लाख शुक्रिया अदा करूँ, बहुत ही ज़्यादा कम है। सारे उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया उन्होंने, मुझे हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगे थे, क्योंकि जो मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, चलना बहुत मुश्किल था, उसी की वजह से मुझे हार्ट बीट्स फास्ट होने लगे। उन्होंने समझा कि मुझे हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, किडनी के टेस्ट करवाए और हार्ट के टेस्ट करवाए, सभी ECG हर एक बहुत पूरे पूरे टेस्ट करवा दिया उन्होंने। मेरी फैमिली को तो इतना धक्का लगा कि हमने सोचा भी नहीं था, हमने सुना भी नहीं था हमने इस बारे में, इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है और इतनी छोटी सी उम्र में हो सकती है, हमने पहली बार सुना था, पहली बार देखा था हमने इस तरह से। और मेरे फादर के फ्रेंड, उन्होंने कहा कि जाके जो नेम्स हॉस्पिटल के बाहर लिस्ट लगी रहती हैं, उधर लिस्ट में नेम्स जाकर देखो कि शहनाज नाम के और कोई भी पेशेंट्स है या फिर रिपोर्ट्स चेंज हो गई हैं, इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं हो सकती, एक बार फिर से जाके चेक करो। क्योंकि बार बार जाके चेक करवाया, लेकिन फिर भी जो होना था वो हो के ही रहता है, जो हमारे किस्मत में है वही हो के रहता है। सारे टेस्ट करवाए और किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा क्रिएटिन 18 हो गया था, मेरा क्रिएटिन 18 हो गया था और मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो गया था, और डायलिसिस के लिए कैथेटर इधर नेक के पास, नेकलाइन के पास सेट कर दिया गया था। मुझे तभी भी मुझे नहीं पता था कि मुझे किडनी प्रॉब्लम है, तब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं BCOM पढ़ रही थी, मैं साइंस नहीं लिया था मैंने, मुझे कुछ भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। और डॉक्टर्स ने कहा कि बॉडी में पूरी तरह से पॉइज़न बहुत फैल चुका है, तब जब तक वो पॉइज़न ठीक नहीं हो जाता तो हम कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन मेरे घर वाले बहुत ही डर गए थे, लेकिन मेरे फादर को बहुत भरोसा था कि शायद ये ट्रीटमेंट के बाद वो कम हो जाएगा, लेकिन डायलिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता था मेरे घर वालों को, इतनी बड़ी बीमारी है, इतना ज़्यादा हम स्ट्रगल करेंगे, कुछ भी नहीं पता था हमें। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि पॉइज़न बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इस करीबन मैं वहाँ पे 4 दिन थी मैं वहाँ पे, लेकिन 4 दिन 4 महीने की तरह मुझे लग रहा था, दिन रात मुझे कुछ भी वहाँ पे बाहर का कुछ भी दिख ही नहीं रहा था, ICU में थी मैं, अंदर कुछ भी नहीं मालूम हो रहा था वहाँ पे। तभी 4 दिन के बाद तो डॉक्टर्स ने कहा कि पॉइज़न बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इसलिए मेरे घर वाले वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया था, डिस्चार्ज लेके मैसूर के बेस्ट हॉस्पिटल विक्रम हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था वहाँ पे। हाँ, और उन्होंने वहाँ पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गुरुदेव सर, वहाँ के बेस्ट सर है, बेस्ट डॉक्टर हैं वहाँ के, जो चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट थे, वहाँ पर ले गए और उन्होंने भी सब कुछ ब्लड टेस्ट किया, और जो बायोप्सी रहती है बायोप्सी में सब कुछ पता चल जाता है, बायोप्सी किया उन्होंने, किडनी बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, सभी कैथेटर यहाँ पे जो था मेरे नेकलाइन के पास वो भी चेंज कर दिया उन्होंने, सब कुछ स्टार्टिंग से किया। और ICU में जगह खाली ना होने की वजह से मुझे वहाँ पे नॉर्मल स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया मुझे, वहीं पे भी ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन मेरे बॉडी में जो पॉइज़न फैल चुका था वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर वो पॉइज़न नहीं कम होता तो मैं आज आप सबके सामने नहीं बोल पाती आज, इसलिए वहाँ पे भी डर गए मेरी फैमिली वाले। इसलिए जो आमपुर में एक हॉस्पिटल है साई बाबा हॉस्पिटल करके, वहाँ बहुत अच्छी हॉस्पिटल है करके सब लोग कहा था, इसलिए विक्रम हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया मेरी फैमिली वालों ने। डिस्चार्ज करके रात में करीबन आठ बजे थे, हम सब लोग एम्बुलेंस में ही आमपुर गए, मुझे सब मेरी फैमिली मुझे आमपुर लेके गए,
और वहाँ पे जाके देखा तो कुछ भी, सब कुछ वहाँ पे ऑपरेशंस ख़त्म, ऑपरेशंस कुछ भी नहीं कर रहे थे। जब साईं बाबा की डेथ हो गई थी तभी वहाँ डायलिसिस सब बंद हो गया था वहाँ पे। और जब हम रातों रात गए फिर हमें पता चला कि वहाँ पे डायलिसिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर हम वहीं से निराश होके फिर वापस हम विक्रम हॉस्पिटल आए, आके फिर से आके डॉक्टर को मेरी फैमिली ने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने फिर एडमिशन कर दिया मेरा विक्रम हॉस्पिटल में। या डॉक्टर्स ने 11 डेज का ट्रीटमेंट बताया कि किडनी डायलिसिस और प्लाज्मा फेरेसिस। किडनी डायलिसिस 4 घंटे होता था और फिर उसके बाद प्लाज्मा फेरेसिस 1 घंटा, ये और टोटल मिला के 5 आवर्स 11 डेज के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट बताया। और मेरी फैमिली तो बहुत घबरा गए थे, मेरी फादर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया ये सब, इतनी छोटी सी उम्र में उनकी बेटी के साथ क्या हो गया। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे सब लोग। मुझे तभी भी कुछ भी पता नहीं था कि मुझे पता था कि मुझे किडनी प्रॉब्लम थोड़ा सा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे। और फिर 11 डेज के लिए जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उन्होंने, तभी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मुझे 3 आवर्स तक मैं रह जाती थी, लेकिन उसके बाद मुझे जो बैक साइड होता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता था। मुझे बीपी लो हो जाती थी और वॉमिटिंग और थर्म्स, बहुत ज़्यादा फीवर आ जाना, ऐसा बहुत ज़्यादा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते थे। और फिर 7 डेज तक तभी भी मुझे बॉडी में 7 डेज हो गए थे तभी बॉडी में पॉइजन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और डॉक्टर्स ने कुछ भी नहीं बताया था कि क्या होगा आगे। अगर पॉइजन ख़त्म होगा तो ही मैं बच पाऊँगी, अगर पॉइजन ख़त्म नहीं होगा तो मैं तो बचना मुश्किल होगा। तो मेरी फैमिली वाले बहुत डर गए थे। अभी भी अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हर एक जगह दुआ के लिए दरख्वास्त किया था मेरी फैमिली वालों ने। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया था, मेरी फैमिली वालों को हिम्मत दिया था मुझे। और फिर अगले ही दिन डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा पॉइजन कम हो रहा है, तबीयत थोड़ा सुधार आ रही है तबीयत में। तभी 11 दिन के बाद तो फाइनली मेरा पॉइजन बॉडी से सब कुछ कंप्लीट कम हो गया। लेकिन पॉइजन कंप्लीट कम होने के बाद भी मेरी किडनी में कुछ भी सुधार नहीं आया था। कम्प्लीटली 98% मेरी किडनी इन्फेक्शन हो चुके थे। और डॉक्टर ने कहा अगर आप 2 दिन पहले आते तो कुछ किया जा सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुके हैं किडनीज आपके। हाँ, शायद उसी टैबलेट्स की वजह से जो डॉक्टर ने मुझे क्लिनिक में दिया था, उसी टैबलेट्स की वजह से मुझे जो पॉइजनिंग बॉडी में थी डायरेक्ट किडनी को इन्फेक्शन हो गया। वो बहुत ज़्यादा जो पेन किलर्स होते हैं उस टाइम नहीं खाना चाहिए। तब भी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन सब लोगों ने कहा कि उस क्लिनिक में जाके कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दीजिए। अगर वो डॉक्टर मुझे ब्लड टेस्ट के लिए कह देती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हम कुछ भी इस सब में पढ़ना ही नहीं चाहते थे। उस टाइम मेरी सेहत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तभी 11 दिन कंप्लीट हुए, प्लाज्मा फेरेसिस प्लस किडनी डायलिसिस 11 डेज के लिए चल रही थी। और 11 डेज के बाद प्लाज्मा फेरेसिस के डॉक्टर बंद कर दिया। और फिर जो प्लाज्मा फेरेसिस चलता था मुझे, तब सिस्टर्स हमेशा मेरे पास रहते थे, हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन में रहती थी मैं। जो बीपी वहीं पे चेक करते थे, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर देते थे। और फिर 11 डेज हुआ, प्लाज्मा फेरेसिस स्टॉप कर दिया गया। वीकली थ्राइस डायलिसिस करवाती रही मैं वहीं पे। और टोटल 1 मंथ तक मैं हॉस्पिटल में ही रही, वहीं पे एडमिट किया। और मेरी मॉम इतना ज़्यादा अकेली हो गई थी, इतना ज़्यादा मेरा साथ दिया, कोई भी नहीं दे सकता। और मेरी फैमिली वालों ने भी बहुत साथ दिया, जो अम्मी के भाई थे, मामा और मेरे भाई, सब लोगों ने बहुत साथ दिया। रातों रात वहीं पे रहे 1 मंथ के लिए, तो बहुत ही साथ दिया मुझे। और उसके बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने के लिए कहा, लेकिन डायलिसिस के लिए तो आना ही पड़ेगा, वीकली थ्राइस तो डायलिसिस कराना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद
जब मैं 1 मंथ के लिए हॉस्पिटल में रही, वहीं पे मुझे फिस्तुला डाला गया मुझे। नेकलाइन के पास जो कैथेटर डालते हैं तो ज़्यादा हमेशा के लिए नहीं काम आता है, ज़्यादातर इन्फेक्शन हो जाता है वहीं से, इसलिए मुझे फिस्तुला डाल दिया गया। जब मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल में, तभी मुझे इस हाथ पे फिस्तुला करके एक पेपर में लिख के चिपका दिया गया था, और वहीं पे इसी हैंड पे मुझे फिस्तुला डाला गया। तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिस्तुला डालने के लिए टोटल 1 आवर लगा था। ऑपरेशन के बाद एक येलो कलर का बॉल दिया जाता है जो प्रेस करते रहना चाहिए। प्रेस करने से जो ऑपरेशन किया जाता है, फिस्तुला डाला जाता है, उसे बहुत अच्छा असर पड़ता है उसके लिए। मेरी हर एक स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझे किडनी किसने डोनेट की है और आज मेरी हेल्थ कैसी है, मेरी लाइफ स्टोरी सब कुछ शेयर करना चाहूंगी। ये वीडियो में आज मैं यही ख़त्म करती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये पार्ट 1 बनाया है और इंशाल्लाह पार्ट 2 बनाऊँगी। प्लीज़ आप सब लोगों का साथ चाहिए मुझे, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।